लेट्स डू क्लास 9 चैप्टर 2 एडवेंचर्स ऑफ टोटो फ्रॉम द बुक मोमेंट्स। एडवेंचर्स ऑफ टोटो के अंदर टोटो एक मंकी है जिसे राइटर का के ग्रैंडफादर लेके आते हैं कहीं से। टोटो जो है वो एज यूजुअल मतलब मंकीज जैसे बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं, कुछ ज़्यादा ही शैतान है। उसकी ग्रैंड मदर तो बहुत परेशान है, वो पहले ही परेशान आ चुकी हैं ग्रैंडफादर की आदतों से कि वो ले आते हैं अपने घर में बहुत सारे एनिमल्स रखने के शौकीन हैं। फिर उसमें दिखाया है कि किस तरह से ये घर के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर भी वो उसे रख के रखते हैं, लेके जाते हैं स्टेशन में अपने मतलब एक रेलवे की ट्रैवलिंग एक जर्नी उसके साथ वो दिखाई है, और फिर फाइनली उन्हें टोटो को छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो सच में घर के अंदर इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि उसे सहन नहीं कर सकते। इसे करते हैं हम लेसन में से। एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर अ सम ऑफ 5 रुपीज। ग्रैंडफादर ने टोटो को खरीदा था टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रक। टोंगा ड्राइवर रखता था इस लिटिल रेड मंकी को बांध कर एक फीडिंग ट्रफ के साथ, फीडिंग के लिए जो टब जैसा होता है उसके साथ बांध के रखता था। एंड मंकी लुक सो आउट ऑफ प्लेस, और मंकी जो ऐसा लगता था कि इसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। कि ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि इसको मैं अपने प्राइवेट जू में ऐड कर लूंगा। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, ये प्यारा सा मंकी था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ, उसकी ब्राइट आईज जो थी वो चमकती थी शरारत के साथ। बिनीथ डीप सेट आईब्रोज, और उसकी डीप सेट आईब्रोज थी। एंड टीथ विच वर अ पर्ली वाइट, और टीथ कैसे थे उसके एकदम वाइट, पर्ल जैसे वाइट। वर ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, वो हमेशा उन टीथ को दिखाया करता था जब वो स्माइल करता था। दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, और वो स्माइल कैसी होती थी जिससे डर जाती थी, लाइफ आउट ऑफ मतलब जैसे जान ही निकल जाती थी जो बड़ी एज की एंग्लो इंडियन लेडीज थी उसे देखकर। टोटो की मुस्कुराहट को देखकर लेडीज घबरा जाया करती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकर्ड इन सन फॉर मेनी इयर्स, उसके हाथ ऐसे थे जैसे उनको धूप में सुखा रखा है पता नहीं कितने सालों से। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट, लेकिन फिर भी उसके फिंगर्स जैसी थी कैसी थी, क्विक थी, बड़े तेज और विकेट, विकेट मतलब जैसे शरारतों में इन्वॉल्व रहती थी। एंड हिज टेल, और उसकी टेल के बारे में क्या है, वेल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसके गुड लुक्स में एड तो वो करती थी क्योंकि ग्रैंडफादर ये बिलीव करते थे कि टेल वुड एड टू वंस गुड लुक्स, कि टेल उसके गुड लुक्स में एक एडिशन थी, एड कर दिया करती थी कुछ। ऑल्सो सर्वड एज थर्ड हैंड, और वो टेल उसका सर्व करती थी थर्ड हैंड की तरह, थर्ड हैंड की तरह वो टेल का काम लिया करता था, टेल से काम लिया करता था। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, मंकीज जैसे करते हैं कि वो ब्रांच से हैंग करने के लिए उसे यूज करता था। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और कोई भी डेलिकेसी, कोई भी टेस्टी चीज जो कि उसके हाथ से दूर हुआ करती थी उसको वो टेल यूज करके अपने पास ले लिया करता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट वेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, ग्रैंड मदर हमेशा फर्स्ट करती थी मतलब परेशान होती थी लड़ती थी जब ग्रैंड फादर कोई नए एनिमल या बर्ड को घर लाया करते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए डिसाइड किया गया दैट टोटोस प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर, कि टोटो की प्रेजेंस को हम एक सीक्रेट रखेंगे उनसे, यानी ग्रैंड मदर को बताएंगे नहीं अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक वो एक अच्छे मूड में ना हो, अच्छे मूड में जब होंगी तो उन्हें मना के समझाया जा सकता है कि हमने ये मंकी लाया है। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट, ग्रैंडफादर और मैंने उसको एक छोटे से अलमारी में रखा, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो राइटर की बेडरूम वॉल में खुलती थी। वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, वहां पे सिक्योरली टाई कर दिया था, उसको बांध दिया था। और सो वी थॉट, ये सिर्फ हमने सोचा था कि उसको सिक्योरली बांध दिया, एक्चुअली ऐसा था नहीं। टू अ पेग, किसके साथ, एक पेग, एक खूंटी फास्टन टू द इनटू द वॉल, जो वॉल में लगी हुई थी। A few hours later, कुछ ही घंटों बाद, when grandfather and I came back to release Toto, grandfather और मैं जब आए वापस Toto को release करने के लिए, छुड़ाने के लिए, we found that the walls, हमने क्या पाया कि walls जो थी, which had been covered with some ornamental paper, जो कुछ सुंदर से paper से covered थी,
चोजन बाय ग्रैंडफादर, जो खास तौर पर चूज किए थे ग्रैंडफादर ने, नाउ स्टूड आउट एज अ नेकेड ब्रेक एंड प्लास्टर। अब वो वॉल में क्या रह गया था, सिर्फ ब्रेक और प्लास्टर रह गया था वहां पे, यानी उसने पेपर सारा हटा दिया था, वहां से फाड़ दिया था। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज फ्रॉम इट्स सॉकेट, जो पेग जिससे उसे बांधा गया था वो सॉकेट में से निकाल लिया था उसने। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, और स्कूल का कोट जो वहां टंगा हुआ था, वॉज इन श्रेड्स, उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, हैरानी थी कि अब ग्रैंड मदर क्या कहेंगी, कितना गुस्सा करेंगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, ग्रैंड फादर ने कोई चिंता नहीं की। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस, ऐसा लगा कि वो खुश है टोटो के परफॉर्मेंस से, कि ये मंकी काफी इंटेलिजेंट है, काफी स्मार्ट है। ही इज क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा ये तो क्लेवर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइट द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, अगर इसे समय दिया जाता तो मैं श्योर हूं कि ये बांध के उन फटे हुए पीसेस से एक रोप बना लेता एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और विंडो से भाग गया होता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस वॉज स्टिल अ सीक्रेट, उसका प्रेजेंस हाउस के अंदर अभी भी सीक्रेट था, यानी ग्रैंडमा को नहीं बताया गया था। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, टोटो को अब ट्रांसफर कर दिया गया था एक बड़ी सी केज में जो सर्वेंट के क्वार्टर में थी। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशिएबली, जहां पे ग्रैंडफादर के पेट्स बड़े सोशिएबली, मतलब जैसे एक समाज की तरह बड़े प्रेम पूर्वक रहते थे। अ टॉर्टोइस, उसमें एक टॉर्टोइस था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स था, टेम स्क्विरल गिलहरी थी, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और थोड़े देर के लिए राइटर की पेट गोट भी वहां रहती थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन मंकी अपने किसी भी कंपेनियन को रात के समय सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन फ्रॉम सहारनपुर, इसलिए ग्रैंडफादर जिनको जाना था देहरादून छोड़ के नेक्स्ट डे सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए, उन्होंने डिसाइड किया टू टेक हिम अलोंग, कि उसको साथ ले जाएंगे। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. दुर्भाग्य से राइटर कहता है मैं नहीं जा पाया ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पर, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट afterwards. लेकिन ग्रैंडफादर ने उसके बारे में बाद में बताया। A big black canvas kit bag was provided for Toto. एक बड़ा सा किट बैग कैनवस का बना हुआ प्रोवाइड किया गया था टोटो के लिए। This with some straw at the bottom. और इसमें कुछ स्ट्रॉ लगाया था बॉटम में। Became his new abode. वो उसका नया घर बन गया था टोटो का। वो बैग जो था वो अब नया घर बन गया था उसका, जब तक जर्नी चलेगी। When the bag was closed, बैग को जब बंद किया जाता था, there was no escape. कोई बचने का, बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। टोटो could not get his hands through the opening. ओपनिंग में से वो अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था। And the canvas was too strong for him to bite his way through. और कैनवास उसका कपड़ा जो था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उसमें से बाइट करके अपना रास्ता नहीं बना सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor. उसके जो efforts होते थे बाहर निकलने की, जो कोशिश होती थी, उसका इफेक्ट क्या दिखाई देता था कि वो बैग रोल करता था फ्लोर पे, और ओकेजनली जंप इन टू द एयर, या कभी कभी वो बैग ऐसा लगता था जैसे जंप कर रहा है एयर में। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers. ये एक ऐसी exhibition थी, ये एक ऐसा scene था जिसको, जिससे attract होके curious crowd, जानने का इच्छुक crowd, onlookers का इकट्ठा हो जाता था। onlookers मतलब जो खड़े होके देखने लग जाते हैं। On the Dehradun railway platform, Dehradun railway platform पे बहुत सारे लोग देखने खड़े हो जाते थे, ये है क्या चीज। Toto remained in the bag as far as Saharanpur. टोटो बैग में रहा जब तक सहारनपुर पहुंचे। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट रेलवे टर्नस्टाइल, जब ग्रैंडफादर प्रोड्यूस कर रहे थे टिकट, मतलब निकाल के अपना टिकट दिखा रहे थे रेलवे टर्नस्टाइल पर, प्लेटफॉर्म पे जहां उतरे थे सहारनपुर में, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, उसने अचानक से अपना सिर बाहर निकाल लिया किसी तरह से बैग से, एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, और एक बड़ी सी मुस्कुराहट दी उसने टिकट कलेक्टर को। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, वो बेचारा टिकट कलेक्टर जो था एकदम हैरान रह गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस, और ग्रैंडफादर को परेशान करते हुए वो बोला, ही सेड सर यू हैव अ डॉग विद यू, सर आपके पास एक डॉग है, तो इसीलिए ग्रैंडफादर अनॉयड हो गए ना, परेशान हो गए।
यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. अकॉर्डिंगली आपको जैसा रूल्स है उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा. इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. बेकार ही रहा कि ग्रैंडफादर ने उसे निकाल के टोटो बैग में से दिखाया. इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग. और बेकार ही रहा उनका ये प्रूव करना कि मंकी जो है वो डॉग जैसा नहीं है. और इवन एज अ क्वाड्रप्ट, और वो क्वाड्रप्ट भी नहीं है यानी चार पैरों वाला प्राणी भी नहीं है. टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. लेकिन टोटो को टिकट कलेक्टर ने क्लासिफाई किया, कैटेगरी में डाला एक डॉग की. एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर. और 3 रुपीज का सम उन्हें देना पड़ा उसके फेयर की तरह. देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर पेट टॉर्टोइस एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू हैव यू चार्ज फॉर एनिमल्स. ग्रैंडफादर तभी उन्होंने एक मजे लेते हुए क्या कहा, अपने पॉकेट में से अपना पेट टॉर्टोइस निकाला और बोले कि इसके लिए मुझे क्या पे करना होगा, क्योंकि आप एनिमल्स के लिए चार्ज करते हो तो बताओ ये टॉर्टोइस के लिए क्या पे करना होगा. द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस. टिकट कलेक्टर ने बड़े पास से देखा टॉर्टोइस को. प्रोडेड इट विथ फोर फिंगर, उसको जरा सा टच किया फोर फिंगर से. गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, बड़ा खुशी का और जीत का सा लुक दिया. एंड सेड नो चार्ज इट्स नॉट अ डॉग, ये इसका कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये डॉग नहीं है. When Toto was finally accepted by grandmother, अब जब grandmother को बता दिया गया, finally उन्होंने accept भी कर लिया grandmother ने, he was given a comfortable home in the stable. उसको एक comfortable सा घर दे दिया गया stable में जहाँ पे horses वगैरह रखे जाते हैं उस जगह पे. Where he had for a companion a family donkey Nana. और वहाँ पे उसको companion कौन मिला, एक donkey जिसका नाम नाना था. On Toto's first night in the stable, Toto के पहली night जो stable में थी, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. Grandfather वहाँ पे गए देखने के लिए कि वो comfortable है या नहीं. To his surprise, he found Nana without apparent cause. और वो हैरान रह गए ये देख के कि Nana जो donkey थी, बिना किसी cause के, बिना किसी कारण के, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो वो अपने जहां से बंधी हुई है वहां से वो उसको खींच के अपने आप को दूसरी तरफ खींच रही है. हेड को इतनी दूर रखना चाह रही है जितना वो रख सकती है एक बंडल ऑफ हे से. एक वहां पे भूसे का बंडल था उससे अपने आप को दूर पता नहीं क्यों कर रही थी. ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, उसके पैर पे उन्होंने थोड़ा सा स्लैप दिया, मारा उसको. एंड ही शी जर्क बैक, उसने पीछे जंप सा लगाया, जर्क झटका लिया पीछे की तरफ. Dragging Toto with her, और उसके साथ कौन निकल गया या? Toto. He had fastened on to her long ears. उसने क्या किया था? अपने आप को कस के पकड़ रखे थे long ears donkey के. With his sharp little teeth. और किससे पकड़ रखे थे? Sharp teeth से. Toto and Nana never became friends. और Toto और Nana donkey कभी भी friends नहीं बन पाए. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water. Given him by grandmother for his bath. एक अच्छी सी ट्रीट लगती थी टोटो को कोल्ड विंटर इवनिंग्स में कि उसको एक बड़ा सा बोल ऑफ वार्म वाटर दे दिया जाता था, grandmother उसे देती थी उसको नहाने के लिए. He would cunningly test the temperature with his hand. वो बड़े cunningly, smartly, धूर्तता से, मतलब बड़े तरीके से temperature को चेक करता था अपने हैंड से. Then gradually, फिर धीरे से step into the bath. उसके अंदर बाथ के अंदर जो बाथ टब होता था उसके अंदर वो उतर जाता था. फर्स्ट वन फुट, पहले एक पैर रखता था. देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे मुझे देखता था वो करते हुए. राइटर कहता है जैसे मुझे देखता था कि पहले एक पैर रखा फिर दूसरा पैर रखा. अंटिल ही वॉज इन टू द वॉटर अप टू हिज नेक, और इतना घुस जाता था पानी में कि वॉटर उसके नेक तक आ जाता था. वंस कंफर्टेबल, एक बार जब वो कंफर्टेबल हो जाता था, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, अपने हाथ या पैर से सोप को पकड़ता था एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और पूरे में सोप रब कर लिया करता था. व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाया करता था, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कोड, तो वो भागता था इतना तेज जितना वो भाग सकता था टू द किचन फायर, किचन की फायर के पास, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए. इफ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, ये जो उसका परफॉर्मेंस होता था इस दौरान अगर कोई हंस देता था
टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो वो हर्ट हो जाता था, हर्ट फील करता था, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और मना कर देता था कि वो अब बाथ नहीं लेगा. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन टोटो ने लगभग अपने आप को बॉइल ही कर दिया था जिंदा. कैसे? अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन फायर टू बॉइल फॉर टी, एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लेड. एक बड़ा सा किचन का केटल था, उसको फायर पे रखा गया पानी बॉइल करने के लिए, चाय बनाने के लिए, और टोटो ने देखा कि उससे बेटर करने को वहां पे उसके लिए कुछ और है नहीं, कोई शरारत करने को है नहीं. उसने डिसाइड किया कि वो उसका लेड हटा देगा. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, जैसा उसका आदत थी टेस्ट करने की, तो उसने देखा कि पानी उतना गर्म है जितना उसको बाथ के लिए चाहिए होता है. ही गॉट इन, वो अंदर घुस गया विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उसका हेड जो था वो बाहर निकल के आ रहा था ओपन केटल में से. This was just fine for a while. ये थोड़ी देर के लिए तो सही था. Until the water began to boil. जब तक water boil होना नहीं शुरू हुआ. Toto then raised himself a little. जब गर्म हुआ पानी तो वो थोड़ा ऊपर उठा. But finding it cold outside. लेकिन बाहर उठते ही बहुत ठंड लगी. He sat down again. फिर से बैठ गया गर्म पानी में. He continued hopping up and down for some time. कुछ टाइम के लिए तो तेज गर्म लगता था, बाहर निकल आता था, ठंड लगती थी, अंदर हो जाता था, फिर तेज गर्म लगता था, बाहर निकलता था. ऐसे hopping करता रहा कुछ टाइम तक, until grandmother arrived and howled him. जब तक grandmother आई और उन्होंने उसको निकाला पानी से बाहर, half boiled out of the kettle, जैसे वो आधा boil हो चुका था. If there is a part of brain especially devoted to mischief, अगर हम माने कि ब्रेन का एक पार्ट होता है जो स्पेशली मिस्चीफ करने के लिए, शरारते करने के लिए होता है, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो वो वाला पार्ट टोटो का बहुत अच्छे से डेवलप था. ही वाज ऑलवेज टियरिंग थिंग्स टू पीसेस, हमेशा वो चीजों को पीसेस में टियर करता रहता था, फाड़ता रहता था. व्हेनेवर वन ऑफ माय आंट्स केम नियर हिम, कोई भी मेरी आंट उसके पास आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, पूरे कोशिश करता था कि उनकी ड्रेस को पकड़ ले एंड टियर अ होल इन इट, और उसके अंदर एक होल बना दे. वन डे एट लंच टाइम, एक दिन लंच टाइम पे क्या हुआ, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल, एक बड़ी सी डिश रखी गई पुलाव की डाइनिंग टेबल पे. वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, हम जब घुसे रूम में तो हमने देखा वो अपने आप को स्टफ कर रहा था, भर रहा था राइस से, यानी फटाफट राइस खा रहा था. माय ग्रैंडमदर स्क्रीम्ड, मेरी ग्रैंडमदर चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने शरारत में क्या किया, उनके ऊपर ही एक प्लेट फेंक दी. वन ऑफ माय आंट्स रश फॉरवर्ड, एक मेरी आंट उसकी तरफ आगे गई, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उनके फेस पे पानी फेंका उसने. व्हेन ग्रैंडफादर अराइव, जब ग्रैंडफादर आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, उसने उठाई वो पुलाव की प्लेट और बाहर निकल गया विंडो से. वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, और हमने देखा वो कहाँ बैठा है, जैकफ्रूट ट्री जो होता है कटहल का पेड़, उसकी ब्रांचेस में बैठा हुआ था. द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, वो डिश अभी भी उसके आर्म्स में थी. ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, सारे आफ्टरनून में वो वहां बैठा रहा, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, उस राइस को धीरे धीरे खाता रहा, डिटरमिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, ऐसा लग रहा था कि उसने पक्का निर्णय कर रखा है कि वो एक एक दाना खत्म कर देगा. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, और फिर परेशान करने के लिए ग्रैंडमदर को, क्योंकि वो चिल्लाई थी उसके ऊपर, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने डिश को फेंक दिया ट्री पे से. एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और फिर शोर मचाया उसने, बड़ी खुशी दिखाई अपनी. व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब वो डिश टूटी तो वो चैटरिंग करने लगा, मंकी चैटर करते हैं ना, बोलते हैं, तो खुशी से चैटर करने लगा. ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी वुड कीप फॉर लॉन्ग, इससे बहुत क्लियर है कि वो इस टाइप का पेट नहीं था जिसे ज्यादा देर तक रखा जा सके. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, ग्रैंडफादर को भी ये समझ आ गया. वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, हम इतने भी अच्छे नहीं थे, वेल टू डू नहीं थे, इतना भी हम अफोर्ड नहीं करते थे कि हम लगातार लॉस करें डिशेस का, क्लोथ्स का, कर्टेंस का, वॉलपेपर्स का. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और उन्होंने उसी टोंगा ड्राइवर का पता लगाया
और टोटो को वापस उसे बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज. 3 रुपीज में ही उसे बेच के उसे पीछा छुड़ाया. सो दिस वॉज द स्टोरी. नाउ डू इट फ्रॉम द डू द एक्सरसाइज फ्रॉम द टेक्स्ट. थैंक यू.